बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई एम प्रोफेसर नवीद असलम कुकर और आज हम एक टॉपिक करने लगे हैं जी, जनरल साइंस का एंटीबायोटिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू जनरल साइंस। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जो पहली दफा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मेरी वीडियोज देखते रहते हैं वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो आज हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करने लगा। देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है माइक्रोबियल लाइफ या लाइफ। इट मीन्स के एंटीबायोटिक का मतलब है अगेंस्ट माइक्रोबियल लाइफ। तो इनफैक्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इस तरह की ड्रग्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन नोट कर लेते हैं यहां पे कि एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट कैन be used to treat bacterial infections. Bacterial infections either by killing or inhibiting growth of bacteria. तो आप ये देखिए, इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसमें मैंने ये बात डिस्कस की है कि एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये कैसे इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, या तो ये बैक्टीरिया को किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अच्छा, दूसरा पॉइंट एंटीबायोटिक के हवाले से आप याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। देखें जी, वायरस से ऐसी बीमारियां जो वायरस से पैदा होती हैं, वायरस से जनरेट होती हैं, उनके हवाले से एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव होते हैं। जैसे कि फ्लू है, ठीक है ना जी, फ्लू हो गया। इसी तरह वायरल इन्फेक्शन और भी कोई वायरस से रेलिवेंट जो बीमारियां हो गई, जो भी वायरस से जनरेट हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक जो है वो इनइफेक्टिव होंगी। हाइपेटाइटिस हो गया। सो मैंने इसलिए एग्जांपल्स दिए कि आपके जहन में रहे कि वो बीमारियां जो वायरस से पैदा होंगी, एंटीबायोटिक उनके हवाले से गैर मुअसर होंगी, इनइफेक्टिव होंगी। क्योंकि एंटीबायोटिक जो वायरस है वो सब सेलुलर लेवल का स्ट्रक्चर होता है और एंटीबायोटिक्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर के हवाले से इनइफेक्टिव होती हैं। तो लिहाजा ये वायरल डिजीजेस के हवाले से इनइफेक्टिव हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव in all individuals of different age groups. It means that के जो antibiotics हैं वो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ी एज के लोगों को भी दे सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं बैक्टेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो डेफिनेटली तमाम एज ग्रुप के लोगों के लिए है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, लार्ज नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स। देखिए जी, एंटीबायोटिक्स जो हैं
ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स। अब मैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स बता देता हूं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन, जैसे कि नोजिया है यानी मतली होना, जैसे कि इनडाइजेशन है यानी डाइजेशन का इफेक्ट हो जाना, डिस्पेप्सिया भी इसको कह सकते हैं, इसी तरह वॉमिटिंग भी हो सकती है इसके साइड इफेक्ट में, सम हाउ कभी कभी स्किन रैश भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है इवन स्टमिक अल्सर दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू एंटीबायोटिक्स एज ए साइड इफेक्ट। तो ये चीज याद रखिए, एंटीबायोटिक्स के ना काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स ये हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और जब भी आप एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो बॉडी में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो कि ये रिवर्सिबल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे ही अपना कोर्स पूरा करते हैं आप एंटीबायोटिक का, तो ये साइड इफेक्ट्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। बहरहाल एंटीबायोटिक्स के साथ काफी सारे साइड इफेक्ट्स जो है वो रिलेटेड है। इसके बाद अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स हैव नो लिंक विद इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी देखिए, जो एंटीबायोटिक होती है इसका ह्यूमन इम्यूनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जो वैक्सीन्स होती है ना, उनकी तो बुनियाद ही बेसिकली ह्यूमन इम्यूनिटी होती है, और वो ह्यूमन इम्यूनिटी को इन्हांस करती है अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इम्यूनिटी पे असरअंदाज नहीं होती, तो इनका कोई इम्यूनिटी के साथ लिंक या ताल्लुक नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स के हवाले से आपने ये भी जहन में रखना है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स आर रिलायबल, एंटीबायोटिक्स आर रिलायबल बट नॉट सेफ। इट मींस दैट कि एंटीबायोटिक्स जो है वो रिलायबल तो हैं, ये इफेक्टिव हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, और उनकी वेरियस जनरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स तक अवेलेबल हैं, जो कि वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच कैन डेफिनेटली ट्रीट वेरियस डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो दे आर रिलायबल बट नॉट सेफ। वाई नॉट सेफ? डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, अभी हम इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अभी हम इसकी टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक को सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी। तो ये आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, he was the person who first time discovered an antibiotic in 1928. Alexander Fleming ने पहली दफा एंटीबायोटिक 1928 में डिस्कवर की थी, उसका नाम है पेंसिलीन। और ये जो एंटीबायोटिक है ये एक फंगस के जरिए से बनाई गई थी, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम ग्लूकम। तो उसके जरिए से ये एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई थी, और इसको हम फर्स्ट एंटीबायोटिक कहते हैं जो कि 1928 में बनाई गई थी। तो ये है एंटीबायोटिक्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जी इसकी क्लासिफिकेशन। जी अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमने एंटीबायोटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की है, अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। हमने ये भी देखा कि जो पहली एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाई थी, जिसका नाम पेंसिलीन था। तो अब जो एंटीबायोटिक्स हैं इनकी अगर हम टाइप्स के ऊपर जाएं या क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएं तो इनको डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इनकी बेसिस है क्लासिफिकेशन की वो है डेफिनेशन। यानी एंटीबायोटिक्स को डेफिनेशन की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है,
और इस हवाले से एंटीबायोटिक्स की दो मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स एंड सेकेंड वन आर बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखिए बैक्टेरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्लो डाउन कर देना, रोक देना, ठीक है, गैर मुतहरिक कर देना। सो बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसको किल नहीं करती, उसको वाइप आउट नहीं करती, लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं और ग्रोथ को रोक कर इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम बोलेंगे बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें जो कॉमन हम एंटीबायोटिक्स यूज करते रहते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम नोट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल, बेसिकली क्लोरामफेनिकोल इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टेरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। अब हम बात करते हैं बैक्टेरिसिडल। देखिए बैक्टेरिसिडल जो है ना, ये वर्ड साइड से निकला है, साइड साइड मीन टू किल, सो बैक्टेरिसिडल मीन्स दोज एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टेरिया। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टेरिया की ग्रोथ को नहीं रोकती बल्कि उसको किल कर देती हैं, उसको वाइप आउट कर देती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम बैक्टेरिसिडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इसकी भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सेफलोस्पोरिन। ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी, एक बैक्टेरियोस्टैटिक की और बैक्टेरिसिडल की। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसकी बुनियाद डेफिनेशन है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने एंटीबायोटिक्स को डिफाइन किया है तो हमने यही कहा है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, बैक्टीरिया को किल करके या उसकी ग्रोथ को रोक कर। तो इस तरह से बैक्टेरिसिडल और बैक्टेरियोस्टैटिक ये दो टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स की। अब हम दूसरी तरह इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स को हम बुनियादी तौर पे रेंज ऑफ एक्शन, उनका जो काम करने की सलाहियत है, जो रेंज है, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ एक्शन की बेसिस पे दो तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरी तरह की आ जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए ये जो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनको किस बेस पे हमने नैरो या ब्रॉड कहा है, इसको इन एंटीबायोटिक्स को हमने इस बेस पे ब्रॉड या नैरो कहा है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो या तो ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है। ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। उन कंपोजिशन में डिफरेंस के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को या ग्राम पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं या ग्राम नेगेटिव डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज याद रखिए, जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होंगी वो या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी या सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी, जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होंगी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होंगी वो ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होंगी। तो इस बेसिस पे हमने उनको नैरो और ब्रॉड जो है वो कहना शुरू कर दिया हुआ है। तो इसकी एग्जाम्पल्स में अगर हम जाएं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन जो है एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हो सकती है। और अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम पे जाएं तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सोडियम फ्यूसीडेट। तो ये सोडियम फ्यूसीडेट जो है
ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से मैंने रेंज ऑफ एक्शन की बेसिस पे भी एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया है। तीसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे। मोड ऑफ एक्शन देखिए जी, मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि हाउ एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगी और उसको बीमारी फैलाने से रोकेंगी। तो इसमें फिर अगेन दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और दूसरी आ जाती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बेसिकली ये जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकते हैं, क्योंकि सेल वॉल के थ्रू बैक्टीरिया अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट करता है और बीमारी कॉज करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो उसकी प्रोटीन बनने में, उसकी मल्टीप्लीकेशन होने में रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, इनहिबिशन करते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो सकते हैं या वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल में भी अगर हम जाते हैं तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हम देखते हैं तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर पेंसिलिन की एग्जांपल ली जा सकती है। पेंसिलिन एक बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल बनने से रोकती है। और यहां पे डॉक्सीसिलीन की एग्जांपल ली जा सकती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के हवाले से। तो ये देखिए, मैंने क्लासिफिकेशन की है, इसके तीन मोड्स मैंने आपको बताए हैं। जो चौथा इसका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बेसिकली केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे भी हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे एक इनकी टाइप्स हैं सल्फोनामाइड्स। इसकी एग्जांपल में सल्फर ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं, सल्फर ड्रग्स कहलाती हैं, बड़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लीन जो हैं, दीज आर आल्सो वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, ये भी काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है ये टॉक्सीसिलीन जो है ये टेट्रासाइक्लीन एंटीबायोटिक है। आप इसकी एग्जांपल भी जहन में रख सकते हैं, वैसे जनरली भी आप नाम जहन में रख सकते हैं। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो बीटा लैक्टाम इसकी एक और टाइप है, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी जो चौथी टाइप है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये भी इसकी एक टाइप आ जाएगी। मैक्रोलाइड्स, ये भी इसकी एक टाइप आ सकती है। तो ये बेसिकली पांच इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं जो मैंने डिस्कस की। और एक क्विनोलोन्स भी होती है, क्विनोलोन्स अगर इसकी एग्जांपल देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बड़ी फेमस एंटीबायोटिक है, वो इसकी टाइप है। अब इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे क्योंकि हम जनरल साइंस का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये है जी केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में आज हमने पढ़ा और उसमें हमने देखा कि किस तरह एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस तरह से पहली एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुई थी। तो ये है एंटीबायोटिक के ऊपर हमने डिस्कशन की है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके आगे जो है वो अब वैक्सीन्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। थैंक यू वेरी मच।